बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोग्रामिंग इन सी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी किस्म की हैं और आगे उनकी क्या टाइप्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंप्यूटर में जो पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी। सम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो उसमें है पास्कल। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। बेसिकली जो पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका नाम रखा गया किसके ऑनर में, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट था जिसका नाम ब्लेज पास्कल था। इसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ईजाद किया था, इसलिए इसके एजाज़ में इसको इज्जत देने के लिए इस लैंग्वेज का नाम पास्कल रखा गया। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इज़ पॉपुलर इन कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में बहुत एक मकबूल लैंग्वेज है। इट वॉज डेवलप्ड इन 1971, इट इज़ सुटेबल फॉर साइंटिफिक फील्ड, और उसको 1971 में बनाया गया जी। और ये ख़ास तौर पर साइंटिफिक्स फील्ड में बहुत यूज़ होती है, साइंटिफिक जो फार्मूलाज वगैरह हैं उनको हल करने के लिए ये बहुत मशहूर लैंग्वेज है। दूसरी जो लैंग्वेज है वो है कबोल। द वर्ड कबोल का क्या मफ़क है, क्या मतलब है इसका। कबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड इन 1959 और इसको 1959 में बनाया गया। दिस हाई लेवल लैंग्वेज वॉज स्पेशली डेवलप्ड फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, और इस लैंग्वेज को ख़ास तौर पर बनाया गया बिजनेस के लिए, और जो माशी सरगर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी, जो बिजनेस में हमें डे टू डे प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करने के लिए, उनके लिए एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस लैंग्वेज को ख़ास तौर पर बनाया गया। इट वॉज सुटेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये आम तौर पर बड़ी मुफीद लैंग्वेज है अगर डाटा आपका बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जैसे टू प्रिपेयर पेरोल। पेरोल का मतलब अगर आपने किसी आपके फैक्ट्री में या आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा मुलाजमीन है और आपने उनके सैलरी स्लिप बनानी है या उनकी सैलरीज को देखना है, तो उसके लिए भी ये मददगार साबित होती है। टू प्रोसेस क्रेडिट एंड डेबिट अकाउंट, ज़्यादा कंपनी में ज़्यादा अगर आप बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा आप अकाउंट मेंटेन रखते होंगे, तो इसमें हम देखते हैं क्रेडिट और डेबिट अकाउंट दोनों किस्म के अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा है टू कंट्रोल इन्वेंट्री सिस्टम एंड मैनी अदर बिजनेस एप्लीकेशन। आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारोबार हो, उसमें आप स्टॉक रखते हैं, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितनी इन्वेंट्री, यानी इसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं स्टॉक को, कि हमारे पास कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना हमने ख़रीदा, कितना हमने बेच दिया, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी कबोल लैंग्वेज में हम एप्लीकेशंस बनाते थे। तो ये बहुत मददगार लैंग्वेज साबित हुई, यानी पेरोल बनाने में, अकाउंट को मेंटेन करने में और इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तीसरी जो लैंग्वेज है दैट इज़ अ सी लैंग्वेज, और बहुत ये पॉपुलर लैंग्वेज है। डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी डेवलप्ड सी लैंग्वेज इन अर्ली 1970s। तो डेनिस रिची ने बेसिकली जो कि बेल लेबोरेटरी में काम करता था, इसने सी लैंग्वेज को 1970 के शुरू में डेवलप किया। सी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टुडे। अब सी लैंग्वेज जो है आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक मशहूर लैंग्वेज है। इट इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, और इसको हम कह सकते हैं कि हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जिसमें काम करना बहुत आसान है और इसको सीखना और समझना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें भी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं वो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने सीखा था कि बेसिकली हम तीन हिस्सों में, तीन बुनियादी आंसर पे हम लैंग्वेजेस को देखते हैं। नंबर वन, उसमें एक सीक्वेंस होता है, स्टेटमेंट्स को हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखते हैं। नंबर टू, हमने देखा था कि हम सिलेक्शन होती है, इसमें आप ट्रू या फॉल्स की शक्ल में स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते थे। और तीसरा जो होता है वो रिपीटेशन यानी लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सी लैंग्वेज भी ये तमाम खसूसियात रखती है, ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है।
In the past, it was mainly used for writing system programs such as operating system, compiler and assembler. तो माजी में अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज को सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे, जैसे डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया वगैरह वगैरह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डेवलप होते थे, या कंपाइलर या असेंबलर, ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम थे, कंपाइलर असेंबलर ये बनाए जाते थे. टुडे इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल. लेकिन आज ये लैंग्वेज क्योंकि मकबूल हो चुकी है, आसान भी है, तो इसमें तकरीबन हर किस्म के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे लेटर आप किसी में लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. इसी तरह स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें आप मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल है स्प्रेडशीट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, आप डेटाबेस आप रिकॉर्ड रख सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स का, जिसकी बेहतरीन मिसाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो ये भी उसी में डेवलप की जाती है. इसके अलावा एजुकेशनल प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स जो हैं वो भी सी लैंग्वेज में डेवलप की जाती है. तो आप देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज आज तकरीबन हर फील्ड में यूज़ हो रही है. उसके बाद सी लैंग्वेज की एडवांस शक्ल है सी प्लस प्लस. जॉर्नी स्ट्रोस्टोफ आल्सो एट बेल लेबोरेटरी डेवलप सी प्लस प्लस ड्यूरिंग 1983 टू 1985. तो जॉर्नी स्ट्रोस्टोफ जिस जो जो के बेल लेबोरेटरी में काम करता था, इसने डेवलप की सी प्लस प्लस 1983 और 1985 के दौरान. सी प्लस प्लस इज अ सुपर सेट ऑफ सी, यानी आप ये कह लें कि जो सी प्लस प्लस है वो सी लैंग्वेज की ही एक टाइप है, यानी उसकी एक एडवांस शक्ल है. इसका मतलब मीनिंग दैट एनी वैलिड सी प्रोग्राम इज आल्सो वैलिड सी प्लस प्लस प्रोग्राम. यानी कि अगर आप सी लैंग्वेज में कोई भी एक सही वैलिड प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम आप एज इट इज सी प्लस प्लस में भी चला सकते हैं, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं होगा. द पर्पज ऑफ डिवेलपिंग सी प्लस प्लस वॉज टू प्रोवाइड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी टू ईजिली एंड क्विकली राइट मोर पावरफुल प्रोग्राम. अब सी प्लस प्लस जो है वो लैंग्वेज डेवलप करने का क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि आप आसानी से और जल्दी से ज़्यादा पावरफुल प्रोग्राम लिख सकें. उसके बाद नेक्स्ट जो आती है और इंतहाई आसान और ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज वो है बेसिक. द वर्ड बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड. तो बेसिक लैंग्वेज बेसिकली इन अल्फाज से, यानी बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल पर्पज, एस फॉर सिम्बोलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन और सी फॉर कोड, इन अल्फाज से मिलकर ये लैंग्वेज का नाम दिया गया जिसको हम बेसिक कहते हैं. इट वॉज डेवलप्ड इन 1964, इसको 1964 में बनाया गया. इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये ह्यूमन लैंग्वेज से करीब तरीन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में है. इट इज़ क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेरी ईजी टू लर्न, ये बहुत आसान है सीखने में. इट इज़ मेनली यूज फॉर बिगिनर टू लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. और अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती और वो प्रोग्रामिंग सीखने का शौक रखता है तो बेसिक लैंग्वेज उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस है. ये बहुत ईजी है और जो प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हैं, जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो उनको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाता है, बेसिक लैंग्वेज से, ये क्योंकि आसान होती है सीखने में. इट इज़ यूज फॉर बोथ बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन. और ये लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं. आप बिजनेस पर्पसेस के लिए भी इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं और साइंटिफिक मकासद के लिए भी आप इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं. इट हैज़ नो स्टैंडर्ड वर्जन. अब बेसिक लैंग्वेज के साथ मसला क्या है, इसका एक खास स्टैंड वर्जन, कोई स्टैंडर्ड वर्जन नहीं है. एंड हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट वर्जन, और इसके मुख्तलिफ वर्जन आते रहे, इसको चेंज करके मुख्तलिफ वर्जन बनाए गए हैं. नेक्स्ट जो हमारी है वो है जी विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक वाज़ द फर्स्ट विजुअल डेवलपमेंट टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो विजुअल बेसिक बेसिकली फर्स्ट विजुअल डेवलपमेंट टूल था जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इजाद किया. एट द बिगिनिंग इट वाज़ नॉट सो पॉपुलर, और शुरू शुरू में ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं थी. इट बिकेम पॉपुलर इन द मार्केट व्हेन माइक्रोसॉफ्ट रिलीज VB3. VB से मुराद विजुअल बेसिक है जी. और ये किस टाइम मकबूल हुई, जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसका वर्जन VB3 निकाला, तो उस वक्त ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई.
नाउ विजुअल बेसिक इज़ वेरी पॉपुलर इन प्रोग्रामिंग फील्ड. तो आज विजुअल बेसिक जो है वो प्रोग्रामिंग फील्ड में बहुत मकबूल लैंग्वेज है. मोस्ट ऑफ द विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन आर डेवलप्ड इन विजुअल बेसिक. जैसे आपको पता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है. इसमें जो है वो आइकन्स यानी तस्वीरी शक्ल में आपके डेस्कटॉप आपकी स्क्रीन पर आती हैं, तो लिहाजा वो सीखना आसान. तो इसलिए विंडोज़ में जो बहुत सारी जो एप्लीकेशन बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो आजकल विजुअल बेसिक में ही बनाए जाते हैं. वीबी इज़ कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग बिजनेस प्रोग्राम. और विजुअल बेसिक जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल होती है बिजनेस प्रोग्राम बनाने के लिए, सच एज पेरोल सिस्टम एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है. द यूजर कैन ऑल्सो राइट प्रोग्राम रिलेटेड विद इंजीनियरिंग साइंस आर्ट्स एजुकेशन एंड गेम्स. तो बेसिकली यूजर जो है इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम भी लिख सकता है, मसलन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और गेम्स वगैरह भी इसमें डेवलप की जा सकती हैं. नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है वो है सी शार्प. तो सी शार्प इज अ लैंग्वेज डेवलप्ड इन 2000 बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2000 में डेवलप किया. इट इज़ अ सिंपल मॉडर्न जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक आसान सादा और आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए. सिंटेक्स ऑफ सी शार्प इज वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस. और इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जो इसके रूल्स हैं, वो बिल्कुल सेम है जैसे सी लैंग्वेज के या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के. इट आल्सो हैज सम फीचर्स ऑफ जावा. तो इसमें कुछ जो फीचर्स हैं, कुछ खसूसियात जो हैं, वो जावा लैंग्वेज की भी रखी गई हैं. इट इज़ अ लैंग्वेज दैट मेक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ईजी एंड एफिशेंट. और ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आसान होती है और एफिशिएंट, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट वेब एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज अक्रॉस द इंटरनेट. और इस पर आप वेब यानी इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे जो चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको आप बना सकते हैं, जो कि आप जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे काम कर सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग गेम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, बिजनेस एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड इन सी शार्प. और इसमें तमाम किस्म के प्रोग्राम जैसे गेम्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंपाइलर्स हो गया, बिजनेस एप्लीकेशन होगी और वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो सी शार्प में डेवलप की जा सकती हैं. नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड जावा. जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम. और जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया. इट इज़ वेरी सिमिलर इन सिंटेक्स टू सी एंड सी प्लस प्लस. और ये भी इसका लिखने का स्टाइल यानी इसका सिंटेक्स भी, इसके रूल्स जो हैं वो सी और सी प्लस प्लस से मिलते जुलते हैं. इन जावा द यूज़र कैन राइट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एज दोज रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और जावा में भी आप तमाम किस्म के प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में लिखे जा सकते हैं. जावा इज़ एन आइडियल लैंग्वेज फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग. और जावा जो है ज़ारा नेटवर्किंग के लिए बहुत एक अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन. इस तरह इंटरनेट पे इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होती है. द करंट वर्जन मोस्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र मेड जावा अनेबल्ड. तो आज जो हम बहुत मशहूर किस्म के जो ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जावा के ऑप्शन को अनेबल किया जाता है. अ फ्यू ब्राउज़र दैट कैन सपोर्ट जावा आर, इसमें से कुछ जो ब्राउज़र्स हैं, ब्राउज़र्स का तो आपको पता होगा कि ब्राउज़र बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं. इन पे हम इंटरनेट पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को देख सकते हैं या मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन को चलाते हैं. जो मशहूर ब्राउज़र्स हैं जिसमें जावा अनेबल, जिसको सपोर्ट करता है जावा, वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है और इसके अलावा फायरफॉक्स एंड मोज़िला है. तो ये मशहूर ब्राउज़र हैं जिसमें जावा सपोर्ट अनेबल्ड होती है. उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. और मैंने आज कोशिश की है कि आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बताया जाए, जो मशहूर पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ हो रही हैं उनके बारे में कुछ बताया जाए. तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी लिखें. आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है, घंटी का आइकन है, उसको लाजमी प्रेस करें. इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे जी. अल्लाह हाफिज़.